नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार के रोहतास जिले के काराकाट के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी गायक पवन सिंह अपनी दो दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से गदगद हैं। पवन सिंह ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद को काराकाट की जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता के भरपूर स्नेह और समर्थन से उनके हौसले बुलंद हुए हैं। जनता का स्नेह, प्यार और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें किसी एक जाति का समर्थन नहीं मिल रहा है। एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती, इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। बता दें, वही गायक से नेता बने पवन सिंह ने बीजेपी पर भोजपुरी भाषा में ही जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि ध्यान न देहू विकास के काम पा, तकबले जनता जिताई मोदी जी का नाम पा। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन ने कहा कि मां का आशीर्वाद लेकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए निकला हूं। 9 मई को नामांकन करूंगा। बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, जनता से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय तौर पर काराकाट लोकसभा के लिए नामांकन करूंगा। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और उससे वे गदगद है। उन्होंने कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से रोजगार मिलेगा, शिक्षा विकास उनके प्राथमिकता में शामिल है। सिंह के बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखती रहिए SPN।